फ्रेंड्स आज आपके लिए लेके आए एक ऐसा मैजिकल बैग जिस बैग से आपको मिलने वाला है आपकी स्टेशनरी का A to Z सामान। और कितने इसका प्राइस है, कैसे इसके प्रोडक्ट्स हैं, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और प्राइस से भी कम प्राइस के अंदर आपको एक पढ़ने वाला है, वो हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। काफी अच्छे से पैक हमें एक किट मिलने वाली है, और बॉक्स को देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसे हमने अमेजोन से मंगाया है। अभी आप सोच रहे होंगे भाई मजाक है, फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है, कैसा लगा मेरा मजाक। और इसे हम करते हैं ओपन। तो सबसे पहले इसकी हमने टेप को लिया है काट, और ये हो चुकी है ओपन। हमने इसको एक बॉक्स से तो बाहर कर लिया है, लेकिन अभी बाहर करना है सेकंड बॉक्स से। और आप देख लो कितने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स इसके ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन उस सबसे पहले जानना है हमें इसका प्राइस। भाई 2000 रुपए इसमें हमारा जाने वाला है पूरा गुलाबी नोट, और वो नोट बंद हो उससे पहले आप इस किट को कर लें परचेज। तो चलिए अपने मैजिकल बैग को करते हैं बाहर। तो मैजिकल बैग आ चुका है बाहर। भाई बहुत भारी है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स इसके अंदर भरे हुए हैं, तो सच में मजा आने वाला है रिव्यू करने में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें तो इसका जो बैग की क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है, लेकिन क्वालिटी से ज्यादा अच्छा है इसका कलर। क्योंकि एक देखो आर्मी ड्रेस का इसके ऊपर कलर दिया हुआ है, और नीचे भी इसके ना एक लेदर का यूज किया हुआ है, तो काफी अच्छा बैग है। तो अगर बैग ही बैग की कॉस्ट अगर हम करें तो कम से कम 500 से 600 रुपए होने वाली है। तो अभी हमें देखना है कि अगर हम इस बैग को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हमें 2000 रुपए हमारे वसूल होते हैं या नहीं। फ्रेंड्स हमने जो इस डॉम्स कैमो मैजिकल बैग के लिए पे किया है ना, तो हमने 2000 से काफी कम पे किया है, और वो कितना कम पे किया है वो हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। लेकिन आपको हम बता दें आप भी उतने में इसे परचेज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहले अब हम इस मैजिकल बॉक्स का दिखाते हैं आपको मैजिक। तो भाई मुझे सबसे पहले चाहिए इसके अंदर से वैक्स क्रेयॉन। तो चलो ओपन करके इसको देख लेते हैं। वाओ देखा मैजिक बॉक्स का मैजिक। तो वैक्स क्रेयॉन नहीं, वैक्स क्रेयॉन से भी ज्यादा अच्छे प्लास्टिक क्रेयॉन्स भी हैं, वो भी 14 शेड्स के। अभी मैं आपको दिखा दूं, साथ में एक कितनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी इरेजर मिल चुकी है, और बाकी इसके अंदर जो शेड्स हैं और जो साइज है वो हम इनको देख लेते हैं। तो आप लोग देख लो कितने प्यारे प्यारे कलर्स इसके अंदर हमें मिल चुके हैं, और कितने उनके लेंथी साइज हैं, और साथ में इरेजेबल भी हैं, क्योंकि इरेजर इसीलिए दिया है। तो काफ़ी अच्छा सबसे पहला प्रोडक्ट हमें इसके अंदर मिल चुका है। अब हमें सेकंड प्रोडक्ट चाहिए कलर पेंसिल। तो फ्रेंड्स कलर पेंसिल तो नहीं, लेकिन ड्राइंग पेंसिल्स मिल चुकी हैं, वो भी 6 शेड्स की, और एक इरेजर भी है जिसमें हमारे इसमें। तो इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ आपको वो शेड्स। तो देख लो कितनी अच्छी पैकिंग है, सच में पूरा पैसा वसूल होने वाला है इस किट से। तो कितने प्यारे प्यारे इनके कलर हैं, और इसके अंदर काफ़ी अच्छी सी डिज़ाइन है, और जो इसके अंदर हमें शेड मिली है ना वो HB 2B 4B 6B 8B 10B, तो 6 शेड्स मिल चुकी है। और इसका जो इंडिविजुअल प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, क्योंकि देखो हमें सभी का प्राइस जानना जरूरी है, क्योंकि तभी हमें कैलकुलेट कर पाएंगे कि इस किट में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अभी हमें थर्ड प्रोडक्ट चाहिए HB पेंसिल्स। तो लो HB पेंसिल्स भी आ चुकी हैं, वो भी डॉम्स फ्यूजन, मतलब सबसे ज़्यादा टॉप वाली HB पेंसिल्स है। देखो डॉम्स में काफ़ी पेंसिल्स के वेरिएंट आते हैं, लेकिन फ्यूजन सबसे बेस्ट और सबसे महंगी पेंसिल्स में से एक है, जिसका इंडिविजुअल प्राइस 70 रुपीज़ है, 7 रुपये की हमें एक पेंसिल मिलने वाली है। तो इसको भी हम ओपन करके इसकी क्वालिटी आपको दिखा देते हैं, बॉडी डिज़ाइन वगैरह। तो ये हो चुकी है ओपन। तो इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखो एक स्केल भी मिलने वाला है। तो प्रोडक्ट ये है कि 1x1 हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कितनी अच्छी प्यारी पेंसिल्स इसके अंदर हमें मिली हुई हैं, जिनकी बॉडी पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है, जिनका नाम लिखा हुआ है फ्यूज़न, और आप इनकी लेड भी देख सकते हो, तो काफ़ी मोटी इनकी लेड है। और इसके अंदर हमें ना एक और भी चीज़ मिलने वाली है, जो है एक इरेजर और शॉर्पनर का बड़ा प्यारा सा कॉम्बो, वो भी रेड कलर में। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, इसके आप रेड कलर की एक इरेजर मिलने वाली है, और वहीं पे शॉर्पनर मिलने वाली है, जिसके अंदर आप इजीली से पेंसिल को शॉर्प कर सकते हो, और उसका जो कलर डस्ट है वो भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। जो हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट चाहिए दोस्तों, वो चाहिए ऑयल पेस्टल। तो वो हम निकाल देते हैं मैजिक बॉक्स से ऑयल पेस्टल, वो भी इतनी अच्छी और सुंदर प्यारी सी पैकिंग के साथ।
25 सेट्स जिसके अंदर मिलने वाले हैं, और साथ में मिलने वाले हैं हमें एक पेस्टल होल्डर, एक शॉर्पनर और एक स्क्रैपिंग टूल इस बॉक्स के अंदर। तो ऑयल पेस्टल के साथ साथ इतने प्रोडक्ट भी एड ऑन होने वाले हैं। तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ, काफ़ी प्यारा सा लॉक है। इसके अंदर आप देख लीजिए हमें टूल्स मिल चुके हैं, एक यहाँ पे हमें स्क्रैपिंग टूल मिल चुका है, और काफ़ी अच्छे से हमें मिल चुकी है ऑयल पेस्टल का साइज। तो काफ़ी इनका लेंथी साइज है, और आप इनकी मोटाई भी देख लो, वो भी काफ़ी है। और बिल्ड क्वालिटी आपको नज़र आ रही होगी, कितने अच्छे से इनकी फिनिशिंग है एक एक कलर्स की, और सारे के सारे कलर्स प्यारे हैं। तो भाई इस किट में बड़ा मजा आ रहा है रिव्यू करने में। अब हमें चाहिए इसके अंदर से कोई ब्रश टाइप में प्रोडक्ट। वाओ, एक नॉर्मल ब्रश नहीं है, एक प्रीमियम क्वालिटी के ब्रश है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी गोल्ड इनकी फिनिश है, और काफ़ी साइजेस हमें इसके अंदर मिलने वाले हैं, 0, 2, 4, 6 चार साइज मिलने वाले हैं, और जो इनका इंडिविजुअल प्राइस है ना वो भी 85 रुपीज़। फ्रेंड्स हमें वैक्स कलर मिल गए, ऑयल कलर मिल गए, और ड्राइंग पेंसिल्स मिल गई, HB पेंसिल्स मिल गई, लेकिन कलर पेंसिल्स काफ़ी देर से नहीं मिली हैं। तो चलो देखते हैं बैग के अंदर क्या हमें कलर पेंसिल मिलने वाली है। वाओ, इसमें कलर पेंसिल नहीं बल्कि हमें मिली है वाटर कलर पेंसिल, जिनकी कलर पेंसिल से भी काफ़ी अच्छी ड्राइंग इनसे होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा चमक इनसे आ जाती है जो ड्राइंग है हमारी। और बात करें इसके अंदर जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं ना, वो काफ़ी मिलने वाले, एक शॉर्पनर मिलने वाला है, एक वन वाटर ब्रश मिलने वाले, और एक बुक मिलने वाली है वाटर कलर पेपर्स की। तो इसको हम ओपन करके देख लें, लेकिन उससे पहले जो इसका इंडिविजुअल प्राइस है वो 175 रुपीज़ है। तो इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी पेंसिल्स की शेड्स वगैरह एंड डिज़ाइन। तो वाओ, कितने प्यारे प्यारे सारे कलर्स हमें इसके अंदर मिल चुके हैं, जिसमें 12 शेड्स हैं, और एक हमें वाटर कलर ब्रश भी मिल चुका है, जो भी काफ़ी प्यारा सा है। मैं आपको इसको अच्छे से एक बारी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बाल दिए हुए हैं, जिनसे हम इसको वाटर में टच करके कलर पेंसिल्स के जो हम ड्रॉ करेंगे उस पर काफ़ी अच्छे से उसे अच्छी लुक दे सकते हैं। तो उसके साथ हमें इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलता है वो मिल चुके हैं वाटर कलर पेपर्स, उनका भी इंडिविजुअल प्राइस 50 रुपीज़ है। और इसके अंदर जो हमें शीट मिलने वाली है वो शायद इस पे मेंशन नहीं किया हुआ है, अभी मैं ढूंढता हूँ। तो इसके अंदर हमें जो शीट मिलने वाली है वो 5 शीट्स मिलने वाली हैं, काफ़ी अच्छी थी ये कलर पेंसिल्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। जो हमें इसके अंदर से नेक्स्ट प्रोडक्ट चाहिए वो कुछ वाटर कलर पोस्टर कलर्स वगैरह मिल जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाए। तो ओपन करके देखते हैं। वाओ, वाटर कलर पोस्टर कलर तो नहीं मिले, लेकिन वाटर कलर केक्स जरूर मिले हैं, वो भी 0.30 mm साइज के अंदर, और वो भी 24 शेड्स के अंदर है, जिसके अंदर हमें एक ब्रश भी मिलने वाला है। तो देखो ब्रश ही काफ़ी हो चुके हैं हमें, क्योंकि हर जगह हमें ब्रश मिलने लगे हुए हैं। कंटिन्यू मैं इसको आपको ओपन करके दिखा दूँ, तो आप देख लो कितने प्यारे प्यारे कलर्स इसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं, लगभग सभी कलर्स इसके अंदर हमें मिल चुके हैं। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बारी, आप इनको और अच्छे से देख लीजिए कितने प्यारे कलर्स हैं। सच में काफ़ी मज़ा आ रहा है इन कलर्स को देख के, और इन कलर्स से आप काफ़ी अच्छी सी एक डिज़ाइन बना सकते हो, एक ड्राइंग बना सकते हो, और वो हमें कमेंट करके शेयर कर सकते हो। तो उसके बाद इसके अंदर हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट चाहिए, कुछ इरेजर वगैरह या शॉर्पनर वगैरह कुछ ऐसा मिल जाए। तो इसके अंदर अभी हमें मिल चुके हैं इरेजर से भी अच्छी एक रेट्रेक्टेबल इरेजर, एक मैकेनिकल इरेजर, और साथ में उसके हमें 2 रिफिल मिलने वाली हैं, और इसका इंडिविजुअल प्राइस भी 25 रुपीज़ है। तो आप देख लीजिए काफ़ी अच्छी डॉम्स ग्रूव के नेम से हमें रेजर मिल चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से वर्क करने वाली है, इस तरीके से आप इनको वर्क कर सकते हो, और जब ये काफ़ी अच्छे से फिनिश हो जाए तो आप इनके अंदर रिफिल भी फिल कर सकते हो, और इसको आसानी से आप अंदर कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट मिल चुका है, रेजर मिल चुकी है, अभी मिल चाहिए हमें कुछ शार्पनर वगैरह, कुछ यूनिक सी कोई शार्पनर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर हमें शॉर्पनर तो नहीं मिली, लेकिन अगेन इरेजर मिल चुकी है, वो भी काफ़ी जंबो साइज़ की, आप देख लीजिए एक छोटी साइज़ की है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी नहीं है, और एक बड़ी साइज़ की है, और जिसका इंडिविजुअल 20 रुपीज़ प्राइस है, नाम इरेजर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होने वाली है इनकी। और इसके बाद हमें कुछ नेक्स्ट प्रोडक्ट इसके अंदर क्ले वगैरह मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखो क्ले तो नहीं मिली है, लेकिन क्ले से भी अच्छा हमें मिल चुके हैं इसके अंदर ब्रश पेन, वो भी मेटेलिक। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन करके देखते हैं इनकी क्वालिटी। तो ये हो चुके ओपन, लेकिन उससे पहले देखो इसका प्राइस भी जानना जरूरी है भाई, पैकिंग तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त की हुई है, और जो इसका प्राइस है भाइयों देख लो 1000 रुपीज़, मतलब आधी किट के प्राइस पे तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला है हमें, अभी तक क्या रात था वो। तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ, आप इसको देख लो पहले कितना प्यारा सा एक बैग है, काफ़ी अच्छे इसको पकड़ने में ना फील आ रहा है एक रॉयल्टी सी। तो इसके बाद ये हो चुका है ओपन, डॉम्स की ब्रांडिंग है, चलो इसको धीरे से ओपन करते हैं। वाओ, कितने प्यारे कलर्स इसके अंदर हमें मिल चुके हैं, सच में काफ़ी अच्छा इसके अंदर नज़र आ रहा है, आप देख लो काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी है। मैं इसको आपको
दिखा देता हूँ, तो देख लो काफ़ी अच्छी इनकी निब की फिनिशिंग है, क्योंकि देखो मेटेलिक है, एक नॉर्मल ब्रश पेन से कई गुना अच्छा होता है एक मेटेलिक। तो उसके बाद हमें जो इसके अंदर और भी प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये किट यहीं ख़त्म नहीं होने वाली है। इसके अंदर हमें मिल चुकी है काफ़ी अच्छी सी डायरी, जिसके ऊपर हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं, इनसे कुछ भी कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो काफ़ी हैवी, आप देख सकते हैं, मैं आपको साइड से दिखा दूं, काफ़ी अच्छे बोर्ड हैं, साथ में इनके जो पेज की क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है, लगभग मेरे हिसाब से 100 से 120 GSM की सीट है, और काफ़ी अच्छे से इनको स्पायरल बाइंड किया हुआ है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, ये किट तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसके बाद जो हमें इसके अंदर से नेक्स्ट प्रोडक्ट मिल चुका है वो एक स्केच बुक। देखो ड्राइंग बुक भी नहीं मिली, हमें मिली है स्केच बुक, जिसका इंडिविजुअल प्राइस भी 145 रुपीज़ है। और इसको मैं आपको ओपन करके देखते हैं इसको भी, कि इसका अंदर क्या खास बात है स्केच बुक के अंदर। तो कैची की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस पर स्टिक दी हुई है, इसको हम ओपन करते हैं, और ये हो चुकी है ओपन। और इसके अंदर हमें कितनी सीट मिलने वाली है, 72 पेजेस। तो भाई आप यहीं से देख लो कितनी मोटी है, और इसको ओपन करके दिखा दूँ मैं। इसके अंदर हमें मिल चुकी है एक ड्राइंग बुक ही है, जिसके अंदर आप काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, काफ़ी प्रोडक्ट्स इसके अंदर आपके आने वाली हैं, क्योंकि 72 सीट्स इसके अंदर आपको मिली हैं। तो भाई सच में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो इसके अंदर अभी भी ख़त्म नहीं हुए प्रोडक्ट्स हमें मिल चुके हैं, डॉम्स की ग्लिटर ट्यूब्स, वो भी 6 शेड्स के अंदर, जिसमें गोल्ड सिल्वर और भी काफ़ी प्यारे प्यारे कलर्स हैं, और जिसका इंडिविजुअल प्राइस भी 35 रुपीज़ है। और भी अभी क्या इसके अंदर कुछ बचा है, तो भाई बैग अब तो हो चुका है खाली, इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि देखो कितना सारा प्रोडक्ट्स इसके अंदर से निकला है, तो सारा कुछ काफ़ी अच्छा है। अभी हम देखते हैं एक एक प्रोडक्ट का प्राइस टोटल करके, कि टोटल अमाउंट कितने की बैठती है, जो हमने पे किया है उतना मिला या कम मिला या ज़्यादा मिला। ये सभी 12 प्रोडक्ट्स हैं जो हमें इस किट के अंदर से मिले हैं, अभी एक एक प्रोडक्ट का प्राइस से टोटल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसके अपने बैग का प्राइस अज्यूम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं लगभग 500 रुपये। देखो क्वालिटी के अकॉर्डिंग 500 ज़्यादा नहीं है बल्कि कम ही है, 500 रुपये का हमें बैग मिल चुका है। उसके बाद हमारे ग्लिटर्स थे 35 रुपीज़ के, तो 35 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमारी इरेजर थी 20 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ इरेजर के हो चुके हैं। उसके बाद हमें एक स्केच बुक मिली है, तो स्केच बुक 145 रुपीज़ की है, तो 145 रुपीज़ स्केच बुक के हैं। और मेटलिक का आपको पता है, जिसका 1000 रुपीज़ प्राइस था, 1000 रुपीज़ हमारा मेटलिक हो चुका है। उसके बाद हमें एक ऑयल पेस्टल मिला है, ऑयल पेस्टल के 190 रुपीज़ का प्राइस है। उसके बाद हमें वाटर कलर पेंसिल्स हैं, वाटर कलर पेंसिल्स का 175 रुपीज़ प्राइस है। उसके बाद लो यहीं तक हो गया भाई हमारे पैसे तो वसूल, अभी जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो फ्री मिलने वाले हैं। और उसके बाद हमारे ब्रश हैं, जिनका प्राइस 85 रुपीज़ है। और इसके बाद हमें वैक्स क्रेयॉन्स मिले हैं, प्लास्टिक क्रेयॉन, जिनका प्राइस है 60 रुपीज़, तो 60 रुपीज़ ऐड ऑन कर लिया। उसके बाद हमें ड्राइंग पेंसिल्स मिली हैं, इंडिविजुअल प्राइस 50 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ ऐड कर लिए। उसके बाद हमें वाटर कलर केक्स मिले हैं, जिसका इंडिविजुअल प्राइस है 200 रुपीज़, तो 200 रुपीज़ भी हमने ऐड कर लिए। उसके बाद हमें रेट्रेक्टेबल रेजर मिली थी, जिनका इंडिविजुअल प्राइस 25 रुपीज़ है, वो भी हमने ऐड कर लिया। उसके बाद फ्यूजन मिला है, जिसका प्राइस 70 रुपीज़ है, तो 70 रुपये भी ऐड कर लिए। तो भाइयों आप देख लो ओवरऑल 555 रुपये का प्रॉफिट है, वो भी अगर आप जब इसे 2000 रुपये का परचेज करते हो, लेकिन हमने जो इसे परचेज किया है वो सिर्फ 1710 रुपये में किया है, आप देख लीजिए। तो वो हमने इसको ऐसे परचेज किया है कि मंथ के एंड में क्या होती है कि फ्लिपकार्ट की तरफ से सेल होती है, और उस सेल के अंदर जाके आप इसे और भी सस्ता परचेज कर सकते हो सकता है 1700 भी कम में भी परचेज कर लो, तो -1710, तो इसमें जो प्रॉफिट होने वाला है ना वो लगभग 845 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिल चुका है। तो भाई आप समझ सकते हो कितना अच्छी है किट रहने वाली है, और कितने अच्छे इस किट के प्रोडक्ट्स थे। अगर आपको एक किट पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियोस और किट्स आपके लिए हम कंटिन्यू इस चैनल पर लेके आने वाले हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट किट के साथ।